हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एकदम जालीदार इडली, जो एकदम स्पंजी बनेगी, रुई की तरह सॉफ्ट बनेगी। और इसे बनाना बहुत आसान है, केवल आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक जानना है जिससे आपकी इडली एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो ये देखिए, ये इडली एकदम सॉफ्ट बनी है, स्पंजी बनी है और अंदर भी इसकी जालियाँ देखिए, बहुत अच्छी सी जालियाँ आई है और एकदम हल्की इडली बनेगी आपकी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने इडली बनाने के लिए ले ली है एकदम अरवा चावल, मतलब वाइट राइस जिसे कहते हैं, तो आप वही चावल ले लें, कोई भी चावल मार्केट से आप ले सकते हैं अरवा वाला। तो यहाँ मैंने ले लिया है मोटा अरवा चावल एक कटोरी। तो अभी हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, एक कटोरी हमने चावल डाला और आधा कटोरी हम यहाँ उड़द की दाल डालेंगे। तो ये देखिए चावल ऐसा लिया है मैंने, आप कोई भी मोटा अरवा चावल ले सकते हैं। तो अब हम उड़द का दाल डालेंगे, धुली उड़द की दाल है, मतलब इसमें छिलका नहीं है। अगर आपके पास छिलके वाला उड़द का दाल है तो आप पहले उसको धो धो के छिलका हटा लें, भिगो के तब ले लें। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया दोनों को। अब हम इसे दो तीन बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट है निकल जाए। तो मैंने यहाँ धो लिया है, अब हमें इसे भिगोना है। करीब 8 घंटा के लिए आप इसे भिगोएं, 8 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएगी। तो 8 घंटे के लिए हमें आप इसे भिगो देंगे। तो यहाँ खूब सारा मैंने पानी डाल दिया, अब हम इसे ढक के भिगो देंगे। तो इडली में बस यही होता है कि इसमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको कुछ तरीके जानने जिससे आपकी इडली एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ भीग गया है चावल, तो हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। तो हमें यहाँ मिक्सर जार में पीसेंगे और हमें इसे ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना, एक थिक बैटर ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा पोहा भिगो लिया है, 1 टेबल स्पून के बराबर पोहा मैंने भिगो लिया है, जिसे चूड़ा भी कहते हैं। इसे हम साथ में पीसेंगे। पोहा डालने से इडली एकदम स्पंजी और नरम बनती है, तो आप ये टिप्स ट्रिक जरूर याद रखें और इसे आप ज़रूर एक बार यूज़ करके देखें पोहे डाल के, तो आपकी इडली देखिए कितनी अच्छी बनती है। तो मैंने पोहा डाल दिया, अब चावल दाल सबको हम डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पोहा भी लास्ट में डाला और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। पतला बैटर को बिल्कुल ना करें, एक थिक पेस्ट ही आपको बनाना है, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ऐसा ये देखिए इस तरीके का पेस्ट हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसे एक बड़े से बर्तन में हम डाल देंगे, क्योंकि जब घोल को हम छोड़ेंगे ना तो इसमें जो खमीर उठेगा इससे घोल डबल हो जाती है। इसके कारण से हमने शुरू से एक बड़ा पतीला लेना है। तो मैंने डाल दिया है, अभी हमें ढक के इसे रखना है। तो ढक के आप इसे 6-7 घंटे तक रखें। अगर सुबह शाम को खाना है तो सुबह ढक कर रख दे, तो शाम तक आपकी इडली बनेगी, वरना ओवरनाइट छोड़े तो सुबह आपकी इडली भी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए ढकने के बाद ये घोल मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना अच्छा से खमीर आया है। और ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए और थिक हो गया है, बहुत अच्छा सा हल्का घोल बन गया है, तो आप देख सकते हैं इसे। अभी हमें क्या करना है ना, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करनी है। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, मतलब नमक डालने से इडली बहुत थोड़ी फीकी फीकी नहीं लगती। थोड़ा हम डालेंगे चीनी, आप चीनी ज़रा सा ज़रूर डालें, मतलब एकदम 1/2 टीस्पून डालें तो आपकी इडली बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमें क्या करना, हमने एक इनो का पैकेट लिया है, इससे इडली एकदम वाइट बनेगी और बहुत ही हल्की बनेगी। तो इनो को हमने डाला है, थोड़ा हम डालेंगे इसमें पानी इनो के ऊपर और करेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और गर्मी के दिन में आप बना रहे जहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है तो आपको इनो भी डालने की ज़रूरत नहीं है ना ही सोडा, वह ऐसे अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ किया हमने मिक्स। फिर मैंने लिया ये इडली का प्लेट, इसे हम तेल से अच्छे से कोट कर देंगे। तो मैं लूँगी यहाँ जरा जरा सा तेल और इसे अच्छे से लगा दूँगी। सिर्फ एक ही बार ऑयल लगाना है हमें, दोबारा इडली डालेंगे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि एलुमिनियम है तो इडली चिपक सकती है, आसानी से नहीं निकलेगी, मतलब फाइन निकालना है तो तेल लगा दीजिए। तो इस तरह से हम इसमें घोल को डाल देंगे अच्छे से सेट करके। ये देखिए मैं अच्छे से डाल दे रही हूँ, तो ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसे थोड़ा हिला दूंगी सेट होने के लिए। अभी क्या किया मैंने, इडली के बर्तन में लिया है पानी, पानी थोड़ा गर्म हो गया है,
अब हम प्लेट को इसमें सेट कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने सेट कर दिया है अच्छे से, तो दोनों प्लेट हम सेट कर देंगे अच्छे से। तो और इसे हम ढक देंगे, ढक के हम पकाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो इडली देखिए कितनी फूल के ऊपर आ गई है। अब हम एक टूथपिक लेंगे चेक करने के लिए और सेंटर में डाल के देखेंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ, टूथपिक एकदम साफ निकला है कि इसका मतलब इडली बन चुकी है। अगर टूथपिक साफ ना निकले तो फिर आप ढक के और 2-3 मिनट पका लीजिए। तो प्लेट को आप करें थोड़ा ठंडा, ठंडा करने से इडली अच्छे से बाहर आ जाती है। तो प्लेट को करें आप एकदम थोड़ा ठंडा 5 मिनट तक। फिर एक चम्मच लीजिए या फिर आप किचन में यूज़ करने वाला चाकू ले सकते हैं, उससे भी ये निकल जाएगी। फिर मैं इसे हल्के हल्के से इस तरीके से करूँगी और अभी दिखाती हूँ इडली कितनी फाइन निकलेगी हमारी। तो इस तरीके से मैं संभाल के निकाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा गर्म है। तो ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये आ गया बाहर और देखिए फाइन बर्तन में देखिए हमारा जरा भी नहीं लगा, एकदम सॉफ्ट है इडली। ये इडली खाने में बहुत टेस्टी है, आप इसे सांभर और चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए या सांभर की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं वो भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप ये इडली बनाकर इंजॉय करें नारियल की चटनी के साथ, मूँगफली की चटनी के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।